एस्मी कॉन्क्लेव स्टार्टअप प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ आज प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, कृषि मंत्री कमल पटेल सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, विधायक श्रीमती कृष्णा गौर सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के अध्यक्ष बलदेव प्रजापति सहित प्रदेश के सेवा भारतीय कार्यक्रम में पहुँचे। छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लोकल से लोकल देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार काम किया जा रहा है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले छोटे छोटे उद्योगों को बल मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नई पहल होगी। प्रदेश के कई छोटे उद्योगों के स्टॉल लगाए गए, जिसमें पूरे प्रदेश से उद्योग संचालित करने वाले यहां उपस्थित हुए, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नई पहल की जा रही है। लघु उद्योग भारती का आज प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ और यह प्रदेश लघु उद्योग भारती उद्यमी और स्टार्टअप का सम्मेलन, हमने लघु उद्योगों के उद्योगपतियों से कुटीर उद्योग वालों से आह्वान किया कृषि पर आधारित उद्योग बनाए ताकि किसान को भी उसकी फसल का उचित मूल्य मिले और छोटे छोटे उद्यमियों को भी लाभ मिले और जो हाथ को काम। मेरा ये मानना है कि अगर इस देश में बेरोजगारी दूर करना है कृषि और लघु उद्योग विभाग मिलकर एक दूसरे को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और देश में लोगों को रोजगार दे सकते हैं, क्योंकि सबसे अधिक रोजगार कृषि में, उसके बाद लघु उद्योग और दो हाथ को काम चाहिए। इसलिए 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जहाँ लघु उद्योग कुटीर उद्योग होंगे उतना ज्यादा रोजगार मिलेगा और गाँव से जो पलायन होकर शहर में आता वो नहीं आएगा। गाँव में भी सड़क बिजली पानी स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था है और जब गाँव में वही राम मंदिर मिलेगा तो लागत कम आएगी और हम निर्यात कर सकेंगे और इस प्रकार हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा और 21% होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखिए तीन विषय थे, सबसे पहले लघु उद्योग भारती को कार्यालय का लोकार्पण ताकि लघु उद्योग भारती व्यवस्था वो बेहतर हो वो तेजी से काम करे। दूसरा आज हमारा स्टार्टअप का कॉन्फ्रेंस के बारे में चर्चा, तीसरा अलग अलग माध्यम से कैसे हर जिले में ज्यादा से ज्यादा क्लस्टर हो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही पूरे दुनिया में इंडिया का और मध्य प्रदेश का समय से नीचे प्रोडक्ट को प्लेस करने का तरीका है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का समन्वय और उसके साथ अवेलेबल सुविधाओं का उपयोग करते हुए हम कैसे रोजगार ज्यादा से ज्यादा दें, क्योंकि आज अगर कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोई रोजगार दे सकता है तो एमएसएमई विभाग दे सकता है। इसलिए एमएसएमई विभाग ने तय किया है कि अभी 100 क्लस्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद हम और तहसील लेवल तक इसको कैसे ले जाए, क्योंकि अगर स्थानीय लेवल पर ले जाते हैं तो भारतीय ओरिजिनल देखें तो हर गाँव में और हर जिले में कोई छोटा छोटा उद्योग वहाँ करते थे, वहाँ के उत्पादन रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के आधार पर। तो अब हम उसी लाइन को वापस पकड़ रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने जैसे कहा, इसीलिए आज का अगर आपने समन्वय देखा हो तो कृषि और उद्योग का समन्वय किया कि कृषि जो पैदा करे उसे रॉ फॉर्म में ना ले जाकर उसे प्रोसेस करें। उसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट नीमच जिसमें एशिया की सबसे बड़ी हब्स की मंडी है, सबसे ज्यादा औषधियाँ वहाँ पैदा होती है, कोरोना काल में उसकी कीमत डबल कमाई, व्यापारी खुश होकर आके मुझे बताया कि हमने डबल कमा लिया इस कोरोना काल में, क्योंकि इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ी। लेकिन मैंने जब कैलकुलेट करके उन्हें बताया कि आप अगर इसमें थोड़ी सी प्रोसेसिंग कर देते तो 4 गुना ज्यादा कमाते, तो डबल से 4 गुना मतलब 8 गुना पोटेंशियल होने के बाद फोकस ना होने के कारण, समय समय पे सब टेक्नोलॉजी की नॉन अवेलेबिलिटी के कारण, नियमों में शिथिलता करकर उन्हें प्रमोट ना होने के कारण और कलेक्टिव एफर्ट ना होने के कारण, क्योंकि एंटरप्रेन्योर में शक्ति है, पैसा है, रिस्क लेता है, लेकिन डायरेक्शन की जो थोड़ी कमी थी उसको पूरा करने के लिए लघु उद्योग भारती और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा बोर्ड बनाकर
दुनिया की सभी टेक्नोलॉजी, भारत सरकार की सभी 36 CSIR की लैब्स को जोड़ते हुए हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये आज का कार्य लघु उद्योग भारती की आज कार्यालय का शुभारंभ किया गया। खुशी है आज की लघु उद्योग भारती मध्य प्रदेश के नवीन प्रादेशिक कार्यालय का लोकार्पण आज हुआ है और वह मेरे अपने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। लघु उद्योग भारती पूरे मध्य प्रदेश के लघु सूक्ष्म और मध्यम इकाइयों को मजबूती देने का लगातार काम कर रहा है और इस दिशा में MSME विभाग मध्य प्रदेश शासन का उन्हें पूरा पूरा सहयोग प्रदान कर रहा है। आज एक तरफ से नवीन कार्यालय का लोकार्पण हुआ तो वहीं दूसरी तरफ MSME विभाग द्वारा MSME कॉन्क्लेव स्टार्टअप कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी हुआ, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों के स्टार्टअप के लिए यहाँ पर हमारे उद्योगपति छोटे उद्यमी आए हैं जो अपने अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में MSME विभाग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान को सफल बनाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए MSME विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, जिसका परिणाम ये कॉन्क्लेव के माध्यम से हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए मुझे बहुत खुशी आज कि मेरे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में लघु उद्योग भारती मध्य प्रदेश का नवीन कार्यालय खुला है और MSME विभाग का यह न्यू स्टार्टअप कॉन्क्लेव प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे स्व सहायता समूहों को इस समय मध्य प्रदेश की सरकार लगातार सहयोग करने का काम कर रही है, उनको सब्सिडी देने का काम कर रही है, उनके उत्पादों को बाजार देने का काम कर रही है, ताकि जो उत्पाद हमारे स्व सहायता समूह के माध्यम से बनाए जा रहे हैं उनको आर्थिक रूप से मजबूती मिले। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में स्व सहायता समूह जो कभी पहले कर्जे में डूबे हुए थे वो बाहर निकलकर आज प्रदेश के विकास में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। फेयर सोसाइटी, जहाँ पर जो मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति रहते हैं और ये सारा काम वही लोग करते हैं, उनके स्किल में सुधार करने के लिए हम लोगों ने ये बीडिंग वर्क, राखियाँ और छोटे छोटे स्किल के काम सिखाते हैं। धन्यवाद। ये सर संस्था तो पिछले 20 सालों से संचालित है पर मैं अभी इससे 10 सालों से जुड़ी हुई हूँ। जहाँ भी मौका मिलता है सर, भोपाल हाट, लोक रंग और छोटे छोटे कॉलोनियों में भी लगाते हैं। स्टार्टअप के लिए कोई लोन वगैरह लिया? नहीं सर, लोन नहीं लिया है। अप्लाई करा है? जी हाँ। मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मैं अपने उद्योग को यहाँ पर प्रमोट करना चाहती हूँ। मैं महिला इकाई इंदौर से हूँ और लघु उद्योग भारती की तरफ से मुझे काफ़ी सारा प्रोत्साहन मिलता है। हम लोग यहाँ पर आए हैं अपना नाइट एंड ग्लो जो हमारा प्रोडक्ट है उसको लेकर, और ये जो है काफ़ी रीजनेबल प्रोडक्ट है और ये नया इन्वेंट किया गया है। लघु उद्योग भारती से जो स्टॉल्स रहते हैं ये काफ़ी कम चार्ज में महिलाओं के लिए हमेशा प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का भी बिजनेस है और ये मतलब मैं ही संभालती हूँ इंदौर की।